गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं जई की खेती की। सबसे पहले बात करते हैं जई की खेती में बॉटनिकल नेम की। जई की खेती में बॉटनिकल नेम एविना सटाइवा है। यह ओइसी फैमिली से बिलोंग करता है तथा इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें तो एशिया और माइनर है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 2N बराबर 6X इजकल टू 42। अगर हम बात करें इसमें अन्य क्रोमोसोमों की नंबरों की बात करें, हेक्साप्लॉयड जो वेराइटियाँ हैं उनमें 28 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं तथा हैप्लॉयड में 7। और इस तरीके से अगर हम एविना सटाइवा की बात करें तो इसमें 42। और भारत में जई की मुख्य दो प्रजातियां हैं, एक एविना सटाइवा, दूसरी हमारी एविना स्टेरिलिस। यह मुख्य रूप से उगाई जाती है। अब इनमें न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं हम, तो फैट जो है 6.9 ग्राम पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा 16.9 ग्राम और कैल्शियम की मात्रा की बात करें तो 54 ग्राम एंड कार्बोहाइड्रेट 66.3 ग्राम। जई मुख्य रूप से चारे वाली फसल है और इसको फॉडर के रूप में उगाया जाता है। अगर हम इसे यूज की बात करें तो कुछ लोग इसे औषधियों के रूप में भी यूज करते हैं। जई मुख्य रूप से वजन को न बढ़ने के लिए उपयोग में भी लाई जाती है। इसे कुछ लोग पशुओं का बहुत ही पौष्टिक आहार मानते हैं। अगर हम कहें बात की जाए तो कॉमन ओट्स एविना सटाइवा स्प्रेड इन 80% टोटल एरिया। इसकी जो ग्रो होता है वो लगभग 80% एरिया पर इसकी खेती की जाती है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एविना बाशिनिया इज एविशन ओट ग्रोन इन नॉर्थ अफ्रीका। अफ्रीका में भी इसको उगाया जाता है। कंट्रीज कल्टीवेटिंग ओट्स ब्रीडिंग आर रशियन फाउंडेशन, USA, कनाडा, पोलैंड, चाइना, फ्रेसलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करें तो रशिया, USA, कनाडा, पोलैंड और चाइना, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, इन इंडियन पंजाब, हरियाणा, UP एंड लिमिटेड एरियाज इन MP, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल आर द रूट्स एंड ग्रोइंग स्टेट्स। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, UP तथा लिमिटेशन की कम एरिया की बात करें तो MP, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और आदि स्टेटों में इसकी खेती की जाती है। बात करते हैं इसकी सॉइल की और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की। तो सॉइल के लिए वाइड रेंज एंड सॉइल विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मोर सुटेटेड फॉर ओट्स कल्टीवेशन। जई के लिए भूमि उचित जल निकास वाली होनी चाहिए जिसमें पानी यानी न भरने पाए। अगर पानी भरता है तो फसल नीचे से सड़ने के आसार रहते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो ग्रो बेस्ट इन कूल एंड मोस्ट क्लाइमेट, आल्सो बेट एक्सेप्ट कॉटन बेल्ट। सेकेंड पॉइंट, कूल वेदर इन इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग ग्रेन फीलिंग ऑफ हाई ईल्ड। सोइंग टेम्परेचर शुड बी 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन। अगर हम बात करें तापमान की तो 20-25 डिग्री तापमान बहुत ही आवश्यक रहता है। और अगर हमेशा अगर बेटर देन ईल्ड की बात करें तो 15-25 डिग्री तापमान भी उचित रहता है। अगर अच्छे तापमान में और जई की अगर हम व्यवस्था की जाए तो जई से लगभग 70-80 टन पर हेक्टेयर चारा उपलब्ध हो सकता है। अब बात करते हैं वैरायटी की। वैरायटी की बात करें तो कैंट एलग्रिन बीकर 10, UPO 92, 123, 160,
OS 6, S8, OS 7, OL 88, HFO 114, OL 10, OL 9, OL 11, OL 6 एंड बुंदेल J 800 851, वेस्टर्न 11 आदि प्रकार की जो वैराइटियाँ हैं ये जेई की बहुत ही अच्छी वैराइटियाँ हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।